बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे क्लब क्रिकेट की परमिशन दी है और मैं मैच खेल रहा हूँ आज ऑलमोस्ट काफ़ी साल डेढ़ साल के बाद, तो बड़ी खुशी मुझे फील हो रही है और इंशाल्लाह होपफुली अच्छा करने की कोशिश करूँगा मैं क्लब क्रिकेट में भी। फिटनेस के बारे से कितना अपने आप को मुताबिक रखा? अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस भी कर रहा हूँ और साथ साथ करता भी रहा हूँ मैं, लेकिन ये था कि क्रिकेट खेलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अपना कार्डियो वर्क और जिम वर्क मैं कर रहा था अपना। उम्र जो आपके मदाएँ हैं वो आपको देखना चाहते हैं इस वक्त जो हालात है जगह बोलती दिखाई दे रही है, लाजिम बात है कि एक डेढ़ माह के बाद पाकिस्तान बोर्ड आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अलाउ करेगा, तो कितने तैयार हैं और कितनी जल्दी आप अपने आपको रिकवर करते हुए पाकिस्तान फैंस को जाएंगे आपको देखेंगे? देखिए अभी मुझे सिर्फ क्लब क्रिकेट की परमिशन मिली है और अभी मैं सिर्फ अपनी क्लब क्रिकेट पर फोकस है मेरा, और जब मुझे डोमेस्टिक की परमिशन मिलेगी तो होपफुली इंशाल्लाह उसमें भी मैं अवेलेबल होऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा उसमें परफॉर्म करने की। सिलेक्ट होना ना होना वो अल्लाह ताला की करम नवाजी होगी और सेलेक्टरों की मेहरबानी होगी, अगर वो सेलेक्ट करेंगे तब भी उनका शुक्रिया, नहीं करेंगे तब भी उनका शुक्रिया। उमर कैसा वक्त गुजरा ये जो पिछले चंद अभी कहना चाहिए एक साल डेढ़ साल से ज़्यादा का अच्छा था आपका, इस दौरान आपको किसी ने आपकी हेल्प की हो, किसी ने आपकी गाइडेंस की हो, किसी ने आपका रहनुमाई करते हो किसका वापस आना, ये आप थोड़ा सा बताओगे? जाहिर सी बात है मैं सबसे पहले अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया और मुझे कभी गिरने नहीं दिया। और उसके बाद आप ये कह लें कि मैं अपनी क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे क्लब के कप्तान हैं नौशी भाई, सुहेल भाई, अंजुम भाई, कि इन्होंने भी मुझे बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया और अगर मेरा कभी दिल करता था ग्राउंड में आने के लिए, लेकिन ये नहीं कि मुझे बैट और बॉल मेरा दिल करता था खेलने के लिए, लेकिन ये था कि वो भी रूल्स को फॉलो करते थे और वो कहते थे क्रिकेट बोर्ड ने अभी तुम्हें परमिशन नहीं दी और आप अभी बैट और बॉल को अभी हाथ मत लगाओ, अपना कार्डियो वर्क करो, बस अपनी ट्रेनिंग में यहाँ पे आके करता रहा हूँ। जितना कुछ हुआ पिछले मतलब आपके हवाले से बहुत ही मुतनाज़ा चीज़ें भी सामने आती रहीं, फिर ये आपको पाबंदी का भी सामना करना पड़ा, अब कितने फोकस हो के ये जो माजी में हो चुका है वो माजी का हिस्सा है, अब आपने अपनी क्रिकेट खेलनी? देखें मैं अभी बहुत ज़्यादा फोकस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, और मैं पुरानी चीज़ें याद नहीं रखना चाहता, पुरानी चीज़ें भूल के मैं अब नई चीज़ों पे फोकस करना चाह रहा हूँ और आने वाला टाइम जो भी मेरे पे आएगा उसको एंजॉय करूँगा और अच्छी क्रिकेट खेलूँगा मैं।